नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में तेजस्वी यादव की सगाई को लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, विजुअल के माध्यम से देखिए कि कैसे यहां पे सगाई की तैयारियां चल रही है। सुबह का समय है, धीरे धीरे लोग भी आने शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि कार्यक्रम काफ़ी छोटा रखा गया है, परिवार के काफ़ी नज़दीक लोग ही शामिल होंगे। यहाँ तक कि जो कार्यक्रम रखा गया है सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पे अपने परिवार ही उपस्थित रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुला निमंत्रण भी अभी नहीं भेजा गया है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के साकेत स्थित सैनिक फॉर्म में यहाँ पे ये सगाई का कार्यक्रम रखा गया है, यहीं पे कार्यक्रम होंगे। और लालू प्रसाद यादव के जो परिवार हैं, जो काफ़ी नज़दीक लोग माने जाते हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो जिस तरीके से कई दिनों से जो वहापो की स्थिति बनी हुई थी कि सगाई कब होगा, शादी कब होगा, वो समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए धीरे धीरे लोग भी आने शुरू हो गए, कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। और देख सकते हैं अंदर अभी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर से ही दिखाएंगे कि यहाँ पे अब कुछ ही समय बाद और भी माहौल बदल जाएगा। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के घर में जो सबसे बड़ा उत्सव का एक मौका आने वाला है, वह कुछ क्षण बाद ही शुरू हो जाएगा और तेजस्वी यादव की सगाई की रस्में भी शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव हों या फिर उनके भाई हों या बहन जो देश के अलग अलग कोने में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उस सारे लोगों की जमावड़ा जुटेगी और यहाँ पे तेजस्वी यादव की सगाई का पूरा बंदोबस्त किया गया है, यहीं पे कार्यक्रम होना है। इस तरीके से काफ़ी लंबे समय से लालू प्रसाद यादव की भी तबीयत खराब चल रही थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि कब तेजस्वी यादव सगाई करेंगे, कब शादी करेंगे, क्योंकि अपने पूरे परिवार में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बचे थे, उन्हीं की सिर्फ शादी बाकी थी और तेजस्वी यादव घर में सबसे छोटे हैं। और वो समय भी आ गया है कि अब तेजस्वी यादव ही शादी के बंधन में, सगाई के बंधन में बंध जाएंगे। और देखिए कि लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, उनके नज़दीकी लोग जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कितने नज़दीक लोग यहाँ पे आते हैं, क्या कुछ बड़े राजनेताओं की भी आवाजाही होती है या नहीं होती है, क्योंकि अभी तक इस कार्यक्रम को काफ़ी छोटा बताया जा रहा है और गोपनीय तरीके से ही इस कार्यक्रम को रखा गया है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना को देखते हुए, कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए इस कार्यक्रम को रखा गया है, इसीलिए काफ़ी बाइंडिंग तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि अभी मीडिया का भी लॉ नहीं अंदर जाने की, लेकिन बाहर से ही देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे पूरे तरीके से कैंपस को सजाया जा रहा है और व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब कुछ ही क्षण बाद यहाँ पे लोगों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। आपको लगातार लाइव सिटीज़ तेजस्वी यादव की सगाई से जुड़ी हर खबर अपडेट करता रहेगा। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।